अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम खड़े हैं वो बाबा फैज मोहम्मद पीर जी की मजार है, जो एक प्राचीन और एक रहस्यमय मजार है। इसमें खास बात आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से आजकल लोग जाति पाति और धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, तो वही हिंदू परिवार काफी समय से यहाँ 3 पीढ़ियों से लगातार सेवा कर रहा है एक मुस्लिम मजार की। क्या खास वजह है इस मजार की, क्या रहस्य है, इसी रहस्य को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं बाबा फैज मोहम्मद पीर जी की मजार पर। यही वो मजार है बाबा फैज मोहम्मद जी की। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं, अंदर ले चलते हैं हम आपको बाबा फैज मोहम्मद पीर जी की मजार पर। यही वो मजार है बाबा फैज मोहम्मद जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि वीरवार का दिन है, वीरवार का दिन पीर दरगाह का वो खास दिन होता है जिस दिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा आदि का जो कार्य होता है वो करते हैं, अपना सर यहाँ नवाते हैं। काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, काफी मान्यताएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ साफ सफाई की गई है, समय अनुसार यहाँ दिया जलाया गया है, तो ये सारा कार्य जो है हिंदू परिवार की देखरेख में ही किया जा रहा है। यहाँ अब जो सेवा कर रहा है सेवादार देवानंद, उसका कहना है कि इससे पहले उसके पिताजी सेवा करते थे जो अब बीमार हो चुके हैं, 75 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है। उससे पहले देवानंद के दादा ने यहाँ की देखरेख की। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो सेवा कार्य है चला आ रहा है। यहाँ दो मजारे और भी हम आपको दिखाते हैं जो उनकी पुत्री और उनकी धर्म पत्नी की है। आप देख रहे हैं ये यहाँ दो मजारे और भी है। यहाँ भी दिया जल रहा है और साफ सफाई भी अच्छी तरह से की गई है, तो ये सारा कार्य जो है यहाँ की साफ सफाई करना, यहाँ की देखरेख करना, पूजा आदि करना, वो सारा कार्य यहाँ हिंदू परिवार की देखरेख में ही किया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं यहाँ सेवा कर रहे सेवादार देवानंद जी से, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इस मजार का। बताएंगे ऐसा क्या रहस्य है इस मजार का जो आप एक हिंदू होकर लगातार 3 पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं एक मुस्लिम मजार की। बिल्कुल, जिसके जो काम है सब है, जो इसमें कह जो बच्चे ने कहे उसके बच्चन पार जाते हैं और चमत्कार तो इसके क्या डांगर से डोली कूद के चले गए, बेहोश पड़ा था कभी जब इसमें ठा दिया। कोई अनुभव हुआ हो आपके साथ, कुछ महसूस हुआ हो ऐसा, या कोई रहस्य हो, आप 3 पीढ़ियों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्या कोई किस तरह सब कुछ महसूस हुआ हो आपको? महसूस यह है कि हमने इसके महसूस ही महसूस होता है, जब किसी का भी काम मुँह में आगे कह दी उसका अटल होता है, आज कहीं तड़ा नहीं मुद्दत से ही चले आ गया। हमारे दादा परदादा से चौथरे से वहाँ कहीं कहीं भी निश्चय सौंप सकते, इसके ऊपर ना खाट बिछा सकते ना कुछ, मतलब सोने का किसी के कीड़ा कहीं भी असर होगा, किस तरह इसके धोरे रहो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन काम सबके पूरे हो। कितने साल से ये जो आपने बताया ये सोने से चारपाई बिछाने से, क्या इसका क्या रहस्य है? इसका ही था, एक बूढ़ा बीमार आदमी था उसको लिए हमने खाट दे दिए, तो उसकी जगह दूसरा सो गया, उसको आज हम इस तरह क्या करा उसके बीच बीच का हिस्सा सब फूक दिया पीछे कहने, लेकिन उसको आँच नहीं आने दी, आधा हिस्सा कन्नू कन्नू जड़ा दिया, लच्चे कपड़े कपड़े दर और सारी नीचे की खाट जड़ा दे दी, कड़ी की देखा तो उसको नू पाया नू कन्नू से पाया, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं होने दिया आदमी को, बिल्कुल नू कन्नू वो बीमार आदमी खुश होगा बिल्कुल ठीक ठाक। हमने बातचीत की यहाँ सेवा कर रहे देवानंद जी से, उनसे जाना, उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके साथ अनुभव हुआ है। इनके हिसाब से अगर कहें तो कोई चमत्कार हो या इनकी श्रद्धा है जो फैज मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनकी क्या राय है इस बारे में। हम बातचीत करते हैं यहाँ आए श्रद्धालुओं से। और जो भी कोई अपनी मुरादें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे हमें आना बहुत अच्छा लगता है। आपकी कोई यहाँ मुराद पूरी हुई हो? हाँ जी बिल्कुल हुई है, जब मेरी शादी हुई थी उसके नेक्स्ट टाइम फिर मैं मेरी मम्मी ने भेजा मुझे कि फिर मैंने यहाँ अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी, फिर मेरी वो पूरी हुई, फिर जगह से हम मानते और यहीं पर आते हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे। हाँ जी, आपके जो श्रद्धालुओं की यहाँ मन्नत पूरी होती है मान्यता के अनुसार, कोई श्रद्धा के अनुसार आप कुछ चढ़ावा हो? हमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो जिसके मन में आए वो चढ़ाते हैं। हाँ।
हम बातचीत करते हैं इनके परिवार से जुड़े, हिंदू परिवार से जुड़े, उनसे जानते हैं कि क्या रहस्य है जो हिंदू होकर एक मुस्लिम मज़ार की सेवा में लगे हुए हैं। बताएंगे सर, आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? समय मैडम, मेरी उम्र 24 साल होगी और मेरे पिताजी की भी यहीं पे उम्र हो गई और मेरे दादाजी भी, मतलब हमारी चौथी पीढ़ी है मैडम जो पीर बाबा की सेवा में लग रही है। और कोई निस्वार्थ से बिल्कुल, मतलब जो भी कार्यक्रम होता है मैडम लगभग पूरा ही होता है। और पीर बाबा की ऐसी कृपा, उनकी दया बहुत कुछ है। और यहाँ के झज्जर के हर एक कोने का आदमी आते हैं, सभी निस्वार्थ आते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई मुस्लिम हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बातचीत है, मतलब हिंदू समाज आता है, बहुत तरीके से सेवा करता है और पीर बाबा उनकी लगभग सुनते भी है मनोकामना। जिस तरह से आजकल देखा गया कि जाति पाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है और आप हिंदू होकर एक मुस्लिम पर मुस्लिम दरगाह की सेवा में लगे हुए हैं, क्या रहस्य इस रहस्य के बारे में? ऐसा मैडम देखो, ये पीर होता है जो खुदा का नेक आदमी होता है, ये 5 टाइम का नमाजी आदमी होता है और ये मतलब खुदा की इबादत में मतलब पूरी ज़िंदगी गवा देता। और इसमें मतलब कोई ये नहीं देखा जाता वो हिंदू हो, जैसे अपने में बाबा हो जाता है कोई, उसको पूछते हैं। और हिंदू समाज का ये है कि मतलब ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे मज़ार है, वैसे मान्या तो झज्जर भी एक मुसलमानों की ही जगह है। और यहाँ पे लगभग हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मज़ार झज्जर के अंदर है और लगभग जितने भी हिंदू समाज का तबका है वो लगभग आता है और पीर बाबा उनकी मनोकामनाएं भी लगभग पूरी करते हैं। कितने प्राचीन मज़ार है ये? लगभग 900 साल तो मैंने सुनते होंगे। और आप बैक साइड में देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड लिखा, पूरा इतिहास लिखा है कि 1000 साल के समथिंग बताया जा रहा है, 1000 साल से कम ये यहीं पे ही है मज़ार। जैसा यहाँ के लोगों की आस्था है, माना है, वो हमने आपको दिखाया। अब इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। झज्जर से कैमरामैन विजेंद्र मलिक के साथ मैं संजना छाबड़ा, हर न्यूज़ हरियाणा।